हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजे स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम ए टीचर। इस वीडियो में मैं आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 2019 के एंट्रेंस एग्जाम के शॉर्ट पेपर बताऊंगा। जो कैंडिडेट्स एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी, सीईएनपी के तैयारी कर रहे हैं और अन्य यूनिवर्सिटी के लिए जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, नीट और जेईई के एंट्रेंस एग्जाम है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है और अन्य जो कंप्यूटर एग्जाम्स होते हैं बीएससी फिजिक्स के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। जो पेपर होते हैं ट्वेल्थ बेस पर, जिसमें कि ट्वेल्थ फिजिक्स मांगी जाती है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको बता दूँ, जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और सीईएनपी और अन्य जो एंट्रेंस एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो अपने व्हाट्सएप नंबर से मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9411513974 पे। और मैंने कंप्यूटर एग्जाम की स्टडी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बीएससी नर्सिंग का शॉर्ट पेपर बता रहा हूँ। ये उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी के 2019 के बीएससी नर्सिंग का शॉर्ट पेपर है। यहाँ पे मैं फिजिक्स के क्वेश्चन बता रहा हूँ, जल्दी मैं अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर वन है 1227 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कृष्ण पिंड विकिरण उत्सर्जन करता है, जिसमें अधिकतम विकिरण फ्लक्स घनत्व 5000 एंगस्ट्रॉम के तरंग धैर्य पर होता है। यदि इस पिंड का ताप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया जाए तो अधिकतम विकिरण फ्लक्स घनत्व प्राप्त होगा। ए 4000 एंगस्ट्रॉम पर, बी 5000 एंगस्ट्रॉम पर, सी 6000 एंगस्ट्रॉम पर, डी 3000 एंगस्ट्रॉम पर। इसका सॉल्यूशन है वीन के नियम अनुसार लैम्डा एम टी इक्वल टू नेहतांक, जहां लैम्डा एम अधिकतम विकिरण के संगत तरंग धारे तथा टी पिंड का ताप है, अथा लैम्डा वन एम अपॉन लैम्डा एम इक्वल टू टी अपॉन टी वन। दिया है टी इक्वल टू 1227 प्लस 273 इक्वल टू 1500 के, टी डैश इक्वल टू 1227 प्लस 1000 प्लस 273 टू 2500 के, लैम्डा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, देयरफॉर लैम्डा डैश एम इक्वल टू 1500 अपॉन 2500 इंटू 5000 इक्वल टू 3000 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक ट्रांजिस्टर दोलक में अनुनादी परिपथ का प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रेरक एल प्रतिरोध मान नगण्य और संधारित्र सी को श्रृंखलाबद्ध जोड़ा गया है। इसमें आवृत्ति एफ के दोलन पैदा होते हैं, यदि एल को दुगना कर दिया जाए और सी को 4C में बदल दिया जाए तो प्राप्त आवृत्ति का मान हो जाएगा। ऑप्शन ए एफ अपॉन 4, ऑप्शन बी 8 एफ, ऑप्शन सी एफ अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2, ऑप्शन डी एफ अपॉन 2। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है श्रेणी LC परिपथ में आवृत्ति एफ इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC या एफ प्रोपोर्शनल टू 1/ स्क्वायर रूट LC इंप्लाइज डेट F1/F2 इक्वल टू स्क्वायर रूट L2C2 अपॉन स्क्वायर रूट L1C1। दिया है L1 इक्वल टू L1C1 इक्वल टू C1L2 इक्वल टू 2L1C2 इक्वल टू 4C1F1 इक्वल टू F, देयरफॉर F अपॉन F2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2L इंटू 4C अपॉन स्क्वायर रूट LC इक्वल टू स्क्वायर रूट 8, देयरफॉर F2 इक्वल टू F अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 3, एक कार्नोट इंजन के गर्त सिंक का ताप 300 के है तथा इसकी दक्षता 40% है, स्रोत ताप को कितना बढ़ाया जाए कि इंजन की दक्षता इसकी पहली दक्षता से 50% अधिक हो जाए। ऑप्शन ए 275 के, ऑप्शन बी 325 के, ऑप्शन सी 250 के, ऑप्शन डी 380 के, ऑप्शन डी। यह औसत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करता है। इसका सॉल्यूशन है, हम जानते हैं कार्नोट इंजन की दक्षता n इक्वल टू 1-T2 अपॉन T1, जहां T1 स्रोत का ताप और T2 सिंक का ताप है। दिया है न्यू इक्वल टू 40% इक्वल टू 0.4 तथा T2 इक्वल टू 300 के, देयरफॉर 0.4 इक्वल टू 1-300 अपॉन T1, T1 इक्वल टू इंप्लाइज है T1 इक्वल टू 300 अपॉन 1-0.4 इक्वल टू 300 अपॉन 4.06 इक्वल टू 500 के। माना स्रोत का ताप xk तक बढ़ाया जाता है, तब
न्यू वन इक्वल टू 40% प्लस न्यू का 50%, न्यू डैश इक्वल टू माइनस 40 अपॉन 100 प्लस 50 अपॉन 100 इंटू न्यू इक्वल टू 0.4 प्लस 0.5 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.6, 0.6 माइनस 1 इक्वल टू 3 अपॉन 500 प्लस एक्स, 300 अपॉन 500 प्लस एक्स इक्वल टू 0.4, 500 प्लस एक्स इक्वल टू 300 अपॉन 0.4, 750 एक्स इक्वल टू 750 माइनस 500, 250 के। क्वेश्चन नंबर 4, 5 MeV ऊर्जा का कोई अल्फा कण किसी स्थिर यूरेनियम नाभिक से 180 डिग्री द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है, अत्यंत समीप उपगमन की दूरी की कोटि है, एक एंगस्ट्रॉम, बी 10^-10 सेंटीमीटर, सी 10^-12 सेंटीमीटर, डी 10^-15 सेंटीमीटर। इसका जो हल है ये सी सही है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से अल्फा कण की गतिज ऊर्जा इक्वल टू यूरेनियम नाभिक से निकटतम उपागम की दूरी पर अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा इम्प्लाइज 1/2 MV² इक्वल टू 1/4 π लैम्डा 0 q1 q2 upon r 5 देयरफॉर 5 MV इक्वल टू 9×10^9 × 2e 92 अपॉन आर बिकॉज 1/2 MV² इक्वल टू 5 MeV इम्प्लाइज 5 MeV इक्वल टू 9×10^9 × 2 × 92 × 1.6×10^-19 का होल स्क्वायर अपॉन आर, आर इक्वल टू 9×10^9 × 2 × 92 × 1.6×10^-19 का होल स्क्वायर अपॉन 5×10^6 × 1.6×10^-19 इम्प्लाइड एट आर इक्वल टू 5.3×10^-14 मीटर इक्वल टू 10^-12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी डोरी से बंधे M1 इक्वल टू 5 किलोग्राम और M2 इक्वल टू 4.8 किलोग्राम के दो द्रव्यमान किसी भारहीन घर्षणहीन घिरनी पर लटक रहे हैं, गति करने के लिए उन्हें स्वतंत्र करने पर इनका त्वरण कितना है, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 5.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन है ए सही आंसर है। दोनों द्रव्यमानों को मुक्त करने पर इन पर आरोपित बलों को चित्रानुसार दर्शाया जाएगा, अतः m1g - t इक्वल टू m1a इक्वेशन 1 तथा t - m2g इक्वल टू m2a इक्वेशन 2 समीकरण 1 और 2 को हल करने पर a इक्वल टू ब्रैकेट m1 - m2 upon m1 + m2g जहां m1 इक्वल टू 5 किलोग्राम, m2 इक्वल टू 4.8 किलोग्राम, ये फिगर है इसका, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a इक्वल टू 5 - 4.8 upon 5 + 4.8 × 9.8 इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड, 0.2 मीटर पर सेकंड सही आंसर है, ये इसका फिगर है। तो इस वीडियो में मैंने 5 फिजिक्स के क्वेश्चन आपको बताए, जल्दी मैं अन्य क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।